ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हम लोग लगा सकते हैं नीट एग्जाम के अंदर में, किस तरीके से हम लोग जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, ऑप्शन को किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग जिस वीडियो में सीखने वाले, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्ट्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका नीट एग्जाम में स्कोर 300 साढ़े 300 400 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है अपने स्कोर को बढ़ाने की 500 साढ़े 500 600 तक लेकर के जाने की, कम टाइम में ये चीज किस तरीके से आप कर सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है उससे आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को नीट में बढ़ा सकते हो। साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स और साथ में एक्सक्लूसिव ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको कोर्स के अंदर में मिलेगा, और उसमें प्रॉपर वे में आपको डेमोन्स्ट्रेट करा जाएगा किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस सारे लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में आपको दिखाए जाएंगे। कंप्लीट फुल पेपर ट्रिक्स आपको समझाया जाएगा। ऑन स्पॉट एग्जाम में बैठ के किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है ये आपको समझाया जाएगा, और पूरी कैलकुलेशंस आपको बताई जाएंगी किस तरीके से आप कर सकते हो ये चीज कि आपका कम टाइम में इंप्रूवमेंट हो जाए स्कोर का। पूरा का पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका जो है कोर्स के थ्रू होता है, और इसीलिए अगर आपको ये वाली सीरीज यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट जो हमारी चल रही है ये आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आती है, ओपन माइंड अगर आपका है तो आपको कोर्स के अंदर में एनरोलमेंट ले लेना चाहिए और अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट को जो है पक्का कर लेना चाहिए। कोर्स में एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारे टीम को मैसेज कर सकते हो कोई भी अगर आपको क्वेरीज है तो, राइट। और अगर आपको डायरेक्टली एडमिशन लेना है तो आपको पेमेंट पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आपको पेमेंट पेज मिलेगा, वहां आप सारे डिटेल्स पढ़ लेना कोर्स से रिलेटेड, एंड अपने डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना और फिर बस रिलैक्स करना। 20 मिनट के अंदर अंदर हमारी टीम आपको एडमिशन ईमेल भेज देगी एंड 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करना, हमारी टीम को व्हाट्सएप करना, वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेगी कोई भी आपके क्वेरीज होंगे तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए। ठीक है, बट जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं नीट 2022 में अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हो, जेन्युइनली रिकमेंडेड है ये वाला कोर्स, आपका जो है गेम चेंज कर सकता है। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है नीट 2019 के। अब नीट का जो एग्जाम है हमारे पास में 2022 का, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पर लास्ट दो एपिसोड्स हमारे बचे हुए थे जिससे कि 2019 का पूरा जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा पिछले बहुत सारे एपिसोड्स में मैंने नीट 2019 के आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाए, यहाँ पर ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाए, है ना। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से आप जाकर के पास्ट के सारे एपिसोड्स देख सकते हो। ठीक है, टोटल 9 एपिसोड मैंने इसके पहले दिखाए, ये 10वां एपिसोड है, और इसके बाद में एक और एपिसोड आएगा। 11 एपिसोड आपके जो है मैं नीट 2022 के पहले कवर अप कर रहा हूँ यूट्यूब पे एज अ फ्री प्लेलिस्ट, ठीक है, जिसमें हम 2019 के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, और ये जो वीडियोस बन रही है ये नीट 2022 वाले बच्चों के लिए बन रही है। ठीक है, तो आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के ओरिजिनल प्लेलिस्ट के अंदर में भी ये वीडियोस दिखेंगी, और नीट 2022 के अलग से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहां पर ये सारे वीडियोस आपको नीट वाले जो अभी बन रहे हैं 2022 के लिए वो आपको दिख जाएंगे। अब इसके अलावा जो 2020 है 2021 है वो सारे मैंने कोर्स के अंदर में कवर अप कर लिए हैं। आपको मैं बता दूं, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है बताते हुए, 450 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे नीट के एक्सक्लूसिव कोर्स में ज्वाइन किए हैं। अगर इन केस कोई भी बच्चा डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, कम टाइम में उसको कॉन्फिडेंस चाहिए, नंबर कैसे बढ़ाना है कम टाइम में ये उसको जानना है, आप अभी भी एक्सक्लूसिव कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। हमारी टीम आपको 20 मिनट में एक्सक्लूसिव कोर्स प्रोवाइड कर देगी, पेमेंट करते ही आपको 20 मिनट में कोर्स मिल जाएगा एंड आप उसको 4-5 घंटे में खत्म भी कर पाओगे। ठीक है, बाकी जितने बच्चों ने अभी तक एक्सक्लूसिव कोर्स लिया है 450 प्लस हमारी काउंटिंग चली गई है, एंड वो सारे के सारे स्टूडेंट्स में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपना स्कोर इंप्रूव किए, उनका बहुत अच्छा जो है फीडबैक आया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इन चार क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर तुक्का किस तरीके से लगाएंगे ये हमारे पास में सवाल होता है कि भाई किस तरीके से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, किस तरीके से हम सारी चीज़ें करें, तो वो पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर देखते आए हैं, हर एपिसोड में हम लोग देखते हैं, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी जो है देखेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो मेरे चैनल की तो आपको और थोड़ी वीडियोस देखनी पड़ेंगी तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, डायरेक्टली आप इस वीडियो को देखोगे तो हो सकता है आपको चीज़ें हजम ना हो। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं इस तरीके से चार्ट बनाते हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या है, 4-4 क्वेश्चंस आपके लिए जाते हैं कोर्स के अंदर में, पूरा पेपर लिया जाता है। ठीक है, तो पूरे पेपर में किस तरीके से आपको करना है, ऑन द स्पॉट एग्जाम टाइम में किस तरीके से करना है, वो आपको माइंडसेट वो आपको कोर्स के अंदर में डेवलप होता है। सो यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे, इसमें आपको मैं बता दूं, कभी भी इस टाइप के ऑप्शंस हो, एक्स वाई जेड, ठीक है, या फिर माइनस जेड, इस टाइप का ऑप्शन, या फिर ऐसा हो
एक्स वाई जेड वन बाई जेड, इस तरीके के अगर आपको चार ऑप्शंस दिखते हैं तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस बनते हैं जेड और माइनस जेड में से आंसर हो, बहुत ज्यादा हाई चांसेस बनते हैं कि जेड और वन बाई जेड में से आंसर हो, ठीक है। तो यहां पर इन चार क्वेश्चन में, इन दोनों में आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आप यहां पर क्या करोगे, ए और सी में से तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ए और सी में से आप यहां पर तुक्का लगाओगे, क्योंकि सिक्स और माइनस सिक्स सेम सेम है। अब थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ होगी तो ऑक्सीजन नेगेटिव होल्ड करता है तो क्रोमियम आपके पास में पॉजिटिव होल्ड करेगा, तो आप डायरेक्टली सी के साथ में यहां पर चले जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो 12 और 4 को तो आप यहां पर बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने एक्सट्रीम के फंडे की बहुत बार बात करी है। एक्सट्रीम का फंडा हमारा क्या कहता है, एक्सट्रीम का फंडा कहता है कि सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू का आप एलिमिनेट करो, बीच वाले में से आप तुक्का लगा सकते हो। तो यहां पर सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 1.18, आप इसको काट सकते हो, ठीक है ना। सबसे छोटा वैल्यू क्या है 0.98, आप इसको काट सकते हो। बीच वाले वैल्यूज कौन से हमारे पास में, बीच वाले वैल्यूज है 1.76 है ना, सॉरी गलत कह रहा हूं क्या मैं, 1.76 सबसे बड़ा है यहां पे, इसको काट रहा हूं मैं, ठीक है। 1.7 सबसे बड़ा हुआ और 0.98 सबसे छोटा हुआ, बीच वाले वैल्यूज ये है 1.176 और 1.18, तो ए और सी में से आपको यहां पर तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, कई बार मैंने इसको डिस्कस किया है और इंडिया के लगभग लगभग हर एग्जाम में ये चीज अप्लाई हो जाती है। कभी भी आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हो, ठीक है, और आपको अगर तुक्का लगाना है, अगर तुक्का लगाना है आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, तो ब्लाइंड गेस करने से अच्छा है आप सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू को एलिमिनेट कर दो, बाकी दोनों में से आप तुक्का लगाओ तो करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। 10 में से 7-8 बार आपका ये एलिमिनेशन सही होगा। तो यहां पर सबसे बड़ा वैल्यू 1.76 काटा उसको, सबसे छोटा वैल्यू 0.98 काटा उसको, बीच वाले वैल्यूज 1.18 और 1.176, इन दोनों में से आप तुक्का लगाओ। अब इसमें भी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मैंने आपको कई बार बताया है कि टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, समझ जाओ कि आंसर उधर ही छुपा हुआ है। टीचर आपको जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया, जिसने भी ऑप्शंस बनाया है, वो आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, समझ जाओ आंसर वहीं छुपा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो 1.76 और 1.176 आपस में दोनों थोड़े सिमिलर हैं, तो टीचर आपको कहीं ना कहीं इन दोनों में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, तो समझ जाओ कि आंसर बी सी में से हो सकता है। अभी बी को हमने एलिमिनेट किया एक्सट्रीम के फंडे से, तो सबसे ज्यादा चांसेस किसका है, सी का यहां पर है सबसे ज्यादा चांसेस आंसर होने का। फर्स्ट वाले का आंसर सी, सेकंड वाले का भी हमारे पास में आंसर सी। क्या आपको बात समझ में आ रही है, सोचना पड़ेगा ना यार, दो को एलिमिनेट करने के बाद में भी कौन सा मार्क करे, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, सर दो एलिमिनेट कर दिया आप कौन सा मारे। देखो आपके हाथ में कुछ नहीं होता, अगर आपको ये सारी चीजें क्लिक कर जाती है तो आप मार्क कर सकते हो, अदरवाइज आपको बाकी दो में से तुक्का ही लगाना पड़ता है, बट आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सही होने की। आप सपोज करो कि 40 क्वेश्चन आपने इस तरीके से अटेम्प्ट करे नीट में, उसमें से आपके अगर 20 भी सही हो जाते हैं ना, तो उस 20 के आपको 80 नंबर मिलते हैं, और जो 20 गलत होते हैं उसके आपके -20 होते हैं, तो आप +60 नंबर तो फोकट का उठाते हो ना, यस और नो। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर यहाँ पर तो आप जो है क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके लाए हो, आपको तो पहले से आंसर पता होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग एक्सक्लूसिव कोर्स में आओ। एक्सक्लूसिव कोर्स में मैं एक भी क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं करता हूँ, ऑन द स्पॉट सारी चीजें करता हूँ, ऑन द स्पॉट आपको करके बताता हूँ कैसे एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको करना होता है, और ये सारे जो क्वेश्चंस भी है ना, ये मैंने ऑन स्पॉट ही करके आपके सामने फिर मैं लाए हैं, बट उस चीज का मेरे पास में कोई प्रूफ नहीं है। ये सारे जो क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट करता हूँ, पहले मैं खुद ट्रिक लगाता हूँ, ऑन स्पॉट लगाता हूँ, और फिर ही मैं क्वेश्चंस को जो है सिलेक्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले आंसर देख लिया फिर ट्रिक सोचता हूँ, नहीं, रिवर्स नहीं, ट्रिक बना के आंसर की वेरीफाई करके फिर आपके सामने मैं आता हूँ, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग जो है सी को मार्क कर सकते हैं। फिर हमारे पास में यहां पर आप देखो, तो मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस मैं बोलता हूं आपको, जो बार बार आपके स्टक करनी चाहिए, घूमनी चाहिए, जैसे कि टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है, समझ जाओ आंसर वहां पे छुपा हुआ है। टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है, समझ जाओ आंसर वहां पे छुपा हुआ है। तो टीचर आपको 211.6 दो बार 211.6 में कंफ्यूज कर रहा है, फिर टीचर आपको दो बार पाई में कंफ्यूज कर रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन तुक्का लगाने का है 211.6 पाई। सबसे बेस्ट ऑप्शन तुक्का लगाने का है 211.6 पाई। टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट आंसर भी उन्हीं ऑप्शंस में से छुपा होने के चांसेस होते हैं। टीचर आपको 211.6 दो बार दिया, वो आपको 211.6 में कंफ्यूज कर रहा है। टीचर आपको पाई पाई दो बार दिया, अचानक से पाई देने का क्या मतलब है ना, तो समझ जाओ कि शायद पाई आंसर हो सकता है। तो आप साइकोलॉजी समझो, ऑप्शंस बने कैसे हैं, उसके बेस पर आपको जो आंसर समझ में आएगा उसके बेस पर आप तुक्का अच्छा लगा पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है,
ये वाला क्वेश्चन में वापस से एक्सट्रीम का फंडा लग जाएगा, सबसे बड़ा वैल्यू 96.66 कट जाएगा, सबसे छोटा वैल्यू 3.10 कट जाएगा, बीच वाले वैल्यूज है हमारे पास में बी या फिर डी में से हम तुक्का लगा सकते हैं, तो यहां पर हम लोग बी या फिर डी में से तुक्का लगा सकते हैं। तो यहां पर हमारा क्या है, एक्सट्रीम का फंडा वापस से लग गया, एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन का जो फंडा है वो यहां पर वापस से लग गया। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भाई तुक्का लगाना कैसे, तुक्का लगाना भी एक आर्ट होता है ना, ये नहीं कि आपको तुक्के से नेगेटिव हो, आपको पॉजिटिव स्कोर लाना है तुक्के से, तो वो चीज की भी आपको समझ होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, राइट। और मैं आपको ज्ञान नहीं देता हूं बाकी एजुकेटर्स या फिर बाकी यूट्यूब चैनल्स के तरह एंड मोमेंट पे आके तुक्का लगाओ नीट में ये वो, मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। हमारा चैनल जेन्युइन ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको प्रोवाइड करता है पूरे इंडिया के अंदर में, बाकी आप कहीं पर भी देख लो एंड मोमेंट पे ये कर लो, ये सारे सी मार्क कर लो, ये सारे बी मार्क कर दो, है ना, इतने सही हो जाएंगे, हो जाएंगे, वो सब बकवास की बातें, जेन्युइन बात है 300-400 पे आपका अगर स्कोर अटक रहा है वहां से आपको 500 550 600 लेके जाना है, तो जो बचे हुए आपके 250-300 नंबर हैं जो आप छोड़ देते हो उसको आप किस तरीके से तुक्का लगाओगे ताकि आपके 150 नंबर तक बढ़ जाए, ये सिंपल सीधा बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये करना, ये जो बाकी के क्वेश्चंस आपको तुक्का लगाने हैं वो करना क्यों जरूरी है, क्योंकि करोगे नहीं तो वैसे भी क्लियर नहीं हो रहा ना, है ना। आप चाहे 400 पे रहो चाहे 350 पे रहो, सीट जब तक आपको गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में नहीं मिलेगी तब तक तो आपको आपका जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं होगा ना। तो बच्चों को लगता है सर तुक्का मारने से नेगेटिव हो गया, तो भाई 400 पे अगर नेगेटिव हो भी जाए, वैसे तो देखो होता नहीं है, अगर आप सही तरीके से करोगे पॉजिटिव ही होता है, बट अगर आपका बात मान भी ले तो 20 नंबर कम भी हो गए तो 380 तो होंगे, लेकिन 400 पे भी नहीं हो रहा था 380 पे भी नहीं होगा, लेकिन अटेम्प्ट करने पे क्या होगा, आप 400 का 550 ले जा सकते हो, तब जो डिफरेंस आएगा ना वो आपकी जिंदगी बदल देगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बदलते हैं अपनी जिंदगी JEE में भी नीट में भी, ठीक है। और एक्सक्लूसिव कोर्स में अच्छे से समझाया किस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हो। अभी भी कोई स्टूडेंट है जिसको श्योर शॉट पता है कि वो 400-450 पे अटक जाएगा, तो आपको कुछ बेसिक चीजें समझने की जरूरत है और उसको आपको एग्जाम में अप्लाई करने की जरूरत है ताकि आप 100-150 नंबर और बढ़ा सकते हो, और आपके पास में कोई और चारा भी नहीं है, क्योंकि आप 400 पे छोड़ नहीं सकते ना, 400 पे आपको भी पता है आपको मिलेगा नहीं, तो आप छोड़ नहीं सकते ना, आपको जितने पे मिलेगा उसकी एक पोटेंशियल तो होनी चाहिए कि हाँ आपने इतना अटेम्प्ट किया है तो शायद उसमें हो जाए। मान लो कोई बच्चा 400 नंबर ही अटेम्प्ट करता है तो वो 500 तो कभी नहीं लाएगा, लेकिन कोई बच्चा 400 अटेम्प्ट करने के बाद में जो बचे हुए 300 नंबर 320 नंबर जितने भी रहते हैं बचे हुए उसको अटेम्प्ट कर लेता है, तो वहां एक प्रोबेबिलिटी है ना कि उस बचे हुए क्वेश्चंस में से 100 नंबर और आ जाए, तो 400 प्लस 100 मिला के 500 बन सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी, देखो हमें बस क्या करना है, हम अगर 100 नंबर अटेम्प्ट करते हैं ना तो हमें उसमें से 30 नंबर चाहिए बस। और ये कैसे होगा, 25 क्वेश्चंस में से, ठीक है, 25 क्वेश्चंस में से आप अगर लेट से 12 सही कर दो, 25 में से अगर आप 12 सही कर दो तो 12 × 4 = 48 और बाकी 13 गलत होंगे तो -13, तो आपके कितने आ गए, 35 मार्क्स आ गए, है ना। अगर आप 11 सही कर देते हो तो 11 × 4 = 44, है ना, और बाकी -14 होंगे, 14 × -1 = -14, तो आपके कितने आ गए, 30 आ गए। तो आपको कुछ नहीं करना, आउट ऑफ एवरी 25 क्वेश्चंस जो आप तुक्का लगाओगे उसमें से आपको 11 सही करना है, तो उससे क्या होगा, आउट ऑफ एवरी 100 मार्क्स यू विल स्कोर 30 मार्क्स नेगेटिव हटाने के बाद। तो अगर आप 300 मार्क्स में तुक्का लगाते हो तो आपको 300 में से 90 प्लस मार्क्स का बूस्टअप मिल जाएगा, तो जो बच्चा 400-420 में पेपर छोड़ देता है वो 90-100 मार्क्स बढ़ा के 500 प्लस ले जा सकता है। ये मैं आपको एकदम बेसिक बता रहा हूं, कई केसेस में आप 14-15-16 तुक्के भी सही कर सकते हो, मतलब कि आपको करना कैसे है ये सीखना जरूरी है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 40 में से 10 तो आपके सही होंगे, है ना, 40 में से 10 आपके सही होते हैं, तो 10 के जो नंबर आपको आते हैं प्लस 40, बाकी 30 जो गलत होंगे उसके होंगे -30, तो प्लस 10 तो आप फिर भी उठाओगे, तो नीट के तो मार्किंग पैटर्न में ही फ्लॉ है, ठीक है। बट मैं आपको ये सारी चीजें जो है, आप ये नहीं कि मेरे कहने पर आप कर लो जाकर के, आपको खुद से करके देख लेना चाहिए, ठीक है, फिर बाद में आप आके ब्लेम करोगे वो चीज मैं नहीं चाहता हूं, फायदेमंद है, लॉजिक से बता दिया, करके भी दिखा रहा हूं सारी चीजें, बाकी एट योर ओन रिस्क। बहुत सारे बच्चे पता है क्या होता है, वो पॉजिटिव तो करते तुक्का लगाते हैं और उनका सही भी हो जाता है, लेकिन वो उसको काउंट नहीं करते, जो नेगेटिव होता है ना उसको काउंट करते हो, बाद में आके बोलते सर आपके वजह से 5 नेगेटिव हो गया, अरे 2 सही हुआ वो भी तो काउंट करो, है ना, नंबर मेरे वजह से जो आते हैं वो भी तो काउंट करो, वो नहीं देखते जो नेगेटिव हुआ है, सिर्फ वो देखते हैं। जैसे मान लो ये 4 क्वेश्चन है, तो इस 4 क्वेश्चन में आप बताना आपके कितने सही हुए, मैं आपको यहाँ पर आंसर भी मार्क करके देता हूँ, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो C, ठीक है, CCBD, ये करेक्ट आंसर्स है हमारे, ठीक है, CCBD, C, ठीक है, BD, ठीक है। अब आप मेरे को बात बताओ, अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपके 4 में से 2 तो सही होते ही है ना, मिनिमम 2 भी सही होते हैं, तो आपको +8 और -2 +6 नंबर तो आपको फोकट के आए ना आउट ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस। तो ऐसे 4-4 का सेट अगर आप 40 क्वेश्चन भी मार्क करते हो तो 60 नंबर तो आपके फोकट बढ़ते ही है ना,
है ना। तो जो क्वेश्चंस आप छोड़ रहे थे उसको आप इस तरीके से करोगे तो आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक एपिसोड और आएगा जहां पे मैं बायोलॉजी के कुछ तुक्का ट्रिक्स आपको बता दूंगा, और उसके बाद में हमारा नीट 2022 का प्लेलिस्ट जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चिट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।